190 लंब हुआ विधानसभा केंद्रीय कार्यालय भाजपा का हुआ उद्घाटन, जिसमें भाजपा विधायक श्री देवमणि द्विवेदी, जयशंकर त्रिपाठी भाजपा अध्यक्ष, डॉक्टर आर ए वर्मा राज्यसभा सांसद, सरोज पांडे, शिवाकांत मिश्र सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में श्री सीताराम जी ने बताया कि देवमणि द्विवेदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, भाजपा की नीतियों को सब तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। रिपोर्ट रविवार शंकर तिवारी लंबुआ। क्या आपके घर में कोई बीमार है? अगर डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी हो तो घर बैठे ही लाइफबॉय और प्रैक्टो के साथ इंडिया के कुछ टॉप डॉक्टर्स की सलाह लें। बस इस नंबर पर मिस कॉल दें, SMS लिंक पर क्लिक करें और मुफ्त में ही इस जनहित में जारी सेवा का लाभ उठाएं। भारतीय जनता पार्टी ने आपने विधानसभा 5 सालों में क्या किया, लंबुआ विधानसभा 5 सालों में आप क्या करेंगे? आप समय कम है, योजनाएं है। पहले मनुष्य का विकास, मनुष्य का विकास क्या है? चिकित्सा और शिक्षा, इसके बाद सुविधाओं का। हमारे माननीय विधायक जी ने काफी सुविधाओं किया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो भी गंगा में और तमाम कोरोना में जो जाने गई हैं, कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमारे सशस्त्र मुख्यमंत्री ने जो काम किया कोरोना में, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए ऐसे काम के लिए। पूरी दुनिया ने जिसको पहचाना है कोविड के उनके कार्यों को, योगी जी को, अगर उनके बारे में वो उल्टा बोल रही है तो उनको पछताना चाहिए। आपको क्या लगता है ममता जी के आने से आपकी पार्टी का लाभ होगा? हमारे ममता जी को बुलाया जो भी यात्री के लिए दरवाजे खुले देखिए, युवा हमारी शक्ति है, हमारी पार्टी 75 सालों में यहाँ पर उद्योग धंधा कोई लंबा विधानसभा लंबा क्या उपेक्षित रहा संभावना है नौजवानों के रोजगार क्षेत्र में पूछे उससे हमारे मुख्यमंत्री का प्राथमिकता है। अब उद्योग धंधा भी ठीक है। ये बताने में लाइफबॉय दुनिया का पहला ब्रांड है। लाइफबॉय हैंड वॉश और सैनिटाइजर COVID-19 कोरोना वायरस पर 99.9% से ज्यादा असरदार है, इसीलिए लाइफबॉय या किसी भी साबुन से हाथ धोते रहिए। रोल गंगा। देखिए कार्यालय का उद्घाटन आप देख सक रहे हैं कि यहाँ से दो मुहा बना हुआ है भैया, थोड़ा ये 4 लेन भी आपका जो है एक्सप्रेसवे भी है और बाजार के अंदर से भी होकर के जो बाईपास जा रहा है और एकदम यह लंबुआ नगर पंचायत का हार्ट है और लंबुआ विधानसभा का एकदम हार्ट का क्षेत्र है, तो बहुत ही जैसे केंद्रीय कार्यालय नाम है उसी तरह से तीनों ब्लॉकों के 6 मंडलों के एकदम केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई है और यह एकदम शंखनाद हुआ है और बिगुल बज गया। विशेष तौर पर चुनाव को लेकर के क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए योजनाएं तो जैसे विकास की योजन भरी योजनाएं थी उसी तरह से चुनाव प्रचार की भी योजनाएं हैं और
योजना पार्टी में पन्ना तक के प्रमुख होते हैं, प्रमुख ही नहीं अब तो पन्ना की भी समिति होती है, एक एक पन्ने पर 40 और 60 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए जो समितियां बनी है, और एक चप्पा चप्पा भाजपा का एकदम योजना के अंतर्गत है। और यहाँ से पिछली बार 13,000 से जिताए थे लोग, इस बार 53,000 से जिताने की इस बार का चुनाव, यह युद्ध जो है, यह लड़ाई जो है राम रावण टाइप की, इस बार का चुनाव जो होगा भगवान राम पे होगा या भगवान परशुराम पे होगा? देखिए ऐसा है कि राम, भगवान राम और भगवान परशुराम में कोई तात्विक भेद है ही नहीं, और जिन लोगों को कुछ भ्रम था उसको योगी जी ने विधानसभा में ही स्पष्ट कर दिया था कि भगवान राम ने कहा कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण पनत परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, और क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भगवान राम ने परशुराम से कहा कि साहब ब्राह्मण देवता मेरे एक गुण हैं और आपके नौ परम पुनीत गुण हैं, तो हम तो आपसे ब्राह्मण देवता हर तरह से हारे हैं, आपकी ही जीत है, इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए राम और परशुराम में कहाँ भेद है? भगवान राम ने कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, अब परशु सहित बड़े नाम तुम्हारे। तो इसमें पंडित सीताराम सिंह वर्मा जी सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, लोग पहले से इनको कह रहे हैं कि साहब विद्या विनय संपन्न इलेक्टेड और सिलेक्टेड विधायक आपको पहले से मिला था, और अब भी इलेक्टेड और इलेक्टेड, हम जब आए थे तो सिलेक्टेड थे और इलेक्टेड आपने किया अपनी प्रभुता से, मान्य जी इस बार पहले से इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों हैं, और अब आपको दोबारा इलेक्ट करना है, मोदी योगी द्विवेदी सबके हाथ को मजबूत करना। मान्य जी आपका टिकट की कोटा, मैंने बताया कि सामाजिक समरसता के तहत माननीय सीताराम जी यहाँ पर आए हैं, समझौता का जो समझौता होता है, समन्वय होता है, समझौता धर्म की कुछ मर्यादाएं होती हैं और उसमें कुछ परिवर्तन स्वाभाविक होते हैं, तो उसी के तहत इसको आप, जैसे मैं PCS से IAS हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर उससे डिप्टी SP हो गया, फिर IAS हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, नेताओं प्रणेताओं ने हमको टिकट दिया, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, मैं विधायक हो गया, हो सकता है कि उसके आगे भी, जैसे पार्टी में बहुत मौके होते हैं, पार्टी में अलग अलग पार्टी ने आपको भाजपा आप जानते हैं, बस घुमाए भाजपा में, ठीक ठीक धन्यवाद।